वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे यूरिया साइकिल क्या होती है, कहाँ परफॉर्म्ड होती है और कौन कौन से स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, इसकी जनरल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और कौन कौन से एंजाइम इसमें पार्ट प्ले करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस दैट नोटिफिकेशन बेल सो दैट यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूरिया साइकिल। तो यूरिया साइकिल की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो एक बायोकेमिकल रिएक्शन है जो कन्वर्ट करती है अमोनिया टू यूरिया, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करती है। अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म जो हमारी बॉडी में होता है तो बहुत सारी अमोनिया जो है वो रिलीज आउट होती है, बहुत सारे अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। अमोनिया इज टॉक्सिक टू आवर बायोलॉजिकल सिस्टम, तो ये क्या करता है, ये अमोनिया को कन्वर्ट करता है किसमें, यूरिया में, सो दैट इट कैन इजिली रिमूव आउट फ्रॉम आवर बायोलॉजिकल सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। अब हम इसकी दूसरी प्रॉपर्टी या दूसरे लाइन की बात करें, इट इज़ अ साइक्लिक प्रोसेस फॉर्म्ड इन लीवर, ये एक साइक्लिक प्रोसेस जो फॉर्म होती है किसमें, लीवर में। इसकी कुछ रिएक्शंस कहाँ फॉर्म होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में, कुछ रिएक्शन इसकी फॉर्म होती हैं साइटोसोल में। अब इसकी जनरल प्रॉपर्टीज की अगर बात करें, नंबर फर्स्ट है यूरिया जो होता है नॉन टॉक्सिक होता है और क्या करता है ये, इट इज़ अ वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल, नॉन टॉक्सिक प्लस वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल है यूरिया। और क्या करता है, CO2 और NH3 दो मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करता है, ये CO2 और NH3 को वन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करके ये रिलीज आउट करता है बॉडी से इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। अब स्टेप्स यूरिया साइकिल में कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, तो दे आर 8 स्टेप्स विच इन्वॉल्व इन यूरिया साइकिल और एंजाइम जो हैं वो 5 एंजाइम यूज़ होते हैं। अगर हम कोई भी साइकिल याद कर रहे हैं या कोई भी साइकिल हम रिवाइज कर रहे हैं तो आप पहले स्टेप एक तरफ लिख लीजिए, उसमें जितने भी स्टेप इन्वॉल्व हैं और उसका एंजाइम जितने भी उसमें यूज़ हो रहे हैं वो एक तरफ लिख लीजिए, तो आपको ईजी रहेगा याद करने में। इट्स माई प्रोसीजर टू लर्न, हर एक के अलग अलग तरीके होते हैं याद करने को, अगर आपको ये ठीक लगे तो आप ऐसा कर सकते हैं। सो हेयर फर्स्ट स्टेप दैट नेम कार्बोमाइल फॉस्फेट, सेकेंड वन इज ऑर्निथिन, सिट्रलिन, एस्पार्टेट, आर्जिनो सक्सिनेट, फ्यूमिरेट, आर्जिनाइन, यूरिया, एंड द एंजाइम्स आर कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज, ऑर्निथिन, कार्बोक्सिलेज, आर्जिनो सक्सिनेट सिंथेटेज, आर्जिनो सक्सिनेज एंड आर्जिनेज। तो चलिए ड्रॉ करते हैं यूरिया साइकिल। तो फर्स्ट वन इज CO2 प्लस अमोनियम आयन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनियम आयन, ये क्या फॉर्म करेंगे, कार्बोमाइल फॉस्फेट फर्स्ट स्टेप। इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम क्या है, कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज, सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप एंड दिस इज द फर्स्ट एंजाइम। एंजाइम को मैं रेड पेन से लिख देती हूँ सो दैट आप इजीली इसको फाइंड आउट कर पाएं। सेकंड है, अब इससे आगे हमें क्या करना है, दैट इज इस तरीके से हमें करना है। तो सेकंड स्टेप जो है ऑर्निथिन, और इधर हमको लिख देना है सिट्रलिन। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्निथिन कार्बोक्सिलेज एंजाइम, तो ये आपका हो गया सेकेंड एंजाइम और सेकेंड स्टेप इधर एंड थर्ड वन इज इधर। अब सिट्रलिन से क्या बनेगा, अर्जिनो सक्सिनेट, और जो थर्ड स्टेप है एस्पार्टेट, ये रिलीज आउट हो जाएगा इसमें से। अर्जिनो सक्सिनेट बनेगा इन द प्रेजेंस ऑफ अर्जिनो सक्सिनेट सिंथेटेज, तो ये इधर आ गया आपका एंजाइम नंबर
सो ये है पार्ट फोर और ये है पार्ट फाइव। अब नेक्स्ट क्या होगा इसमें, नेक्स्ट जो है इसमें से अर्जिनिन बनेगा और फ्यूमरेट जो है इसमें से रिलीज आउट हो जाएगा। और एंजाइम इन द प्रेजेंस ऑफ विच एंजाइम, अर्जिनो सक्सिनेज, इन द प्रेजेंस ऑफ अर्जिनो सक्सिनेज। फाइनल स्टेप क्या है, इसमें है फाइनल स्टेप यूरिया, तो इसमें से यूरिया रिलीज आउट होगा और इन द प्रेजेंस ऑफ आर्जिनेज, ये हो गया आपका एंजाइम नंबर फाइव। एंड हियर इज द स्टेप नंबर सिक्स, स्टेप नंबर सेवन एंड स्टेप नंबर एट। तो ये है फॉर्मेशन ऑफ यूरिया किससे, अमोनिया से, अमोनिया एंड CO2। तो ये पूरी यूरिया साइकिल है। अब इसमें एक टर्मिनोलॉजी ये आती है कि हम कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे कि कौन से स्टेप पे कौन सा वाला एलिमेंट रिलीज आउट हो रहा है। जैसे इधर हो रहा है एस्पार्टेट हो रहा है, फ्यूमरेट हो रहा है, इधर यूरिया हो रहा है। तो मेरे पास कुछ ट्रिक्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं सो दैट यू कैन रिमेम्बर द यूरिया साइकिल। तो आपको क्या करना है, जितने भी स्टेप्स हैं उनको क्या करना है, उनका जो फर्स्ट टू वर्ड्स हैं जो अंडरलाइन है इस टाइम, वो आपको एक तरफ लिख लेने हैं और यूरिया जो है वो कंप्लीट लिख लेना है। तो लिखने के बाद CA, सेकंड का ऑर्निथिन का OR, सिट्रुलिन का C एंड एस्पर्टेट का AS, आर्जिन का AR, फ्यूमरेट का FU, अर्जिनिन का फिर से AR एंड यूरिया कंप्लीट, क्योंकि ये लास्ट प्रोडक्ट है तो इसको हम कंप्लीट लिखेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, हमने पूरे 8 स्टेप्स हमने लिख लिए हैं। तो हमको क्या करना है, सी और सॉरी सी नहीं का और सी ने मिलकर AS मतलब जो इधर एस्पार्टेट रिलीज आउट हो रहा है, तो AS को बाहर किया। तो ऐसे आपको आसानी से पता लग जाएगा कि कौन सा प्रोडक्ट हमको बाहर की ओर रिलीज आउट करना है, कौन सा प्रोडक्ट हमें एरो लगा के बाहर की ओर लिखना है। तो आप ऐसे इसको याद कर सकते हैं, या फिर आप जब स्टेप्स याद करें तो फॉर्मेशन ऑफ कारोमाइल फॉस्फेट, फॉर्मेशन ऑफ ऑरेंथीन, फॉर्मेशन ऑफ सिट्रलिन, और इस पे कर देंगे रिलीज रिलीज ऑफ एस्पर्टेट या क्लियरेंस ऑफ एस्पर्टेट, जैसा भी आपको ठीक लगे। तो ये हो गया यहाँ तक ट्रिक। अब ए आर ने FU को बाहर निकाला, फ्यूमरेट। तो यहां से हो गया। फिर AR ने यूरिया को बाहर निकाला, तो ये ट्रिक है। अगर आपको ये यूज करनी है याद रखने के लिए यूरिया साइकिल को, तो आप इसको यूज कर सकते हो। ऐसे ही कारोमाइल फॉस्फेट, ये एंजाइम्स को याद करना बहुत इजी है क्योंकि कारोमाइल फॉस्फेट ये फर्स्ट वाला जो स्टेप है उसी के नाम पे कारोमाइल फॉस्फेट लिखा हुआ है। इसमें सिर्फ सिंथेटेज जोड़ना है, तो आप लिख सकते हो CPAs, फर्स्ट एंजाइम है CPAs कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज, सेकंड लिख सकते हो ऑर्निथीन कार्मोक्सिलेज, तो ऑरेज, मैं इधर लिख देती हूँ CPAs फर्स्ट एंजाइम है, सेकंड है ऑरेज, थर्ड है अर्जिनो सक्सिनेट सिंथेटेज, तो अरेज,
अर्जिनोसक्सिनेज तो इसमें क्योंकि एक जैसे हो जाएंगे, आप इसको लिख देना अर्जिनो अर्जिनो अर्जिनोएज और है अर्जिनेज। अर्जिनेज है ही अपने आप में शॉर्ट शॉर्ट टर्म, छोटा नाम है एंजाइम का, तो इसको एज इट इज रहने देना। तो हम एंजाइम को ऐसे शॉर्ट फॉर्म में हम याद कर सकते हैं, जैसे कार्बोमाइल फॉस्फेट के लिए क्या है CpAs, ऑरेंथिन के लिए क्या है ORAs, सिटिलिन के लिए क्या है एंजियोसक्सिनेट और एर्जिनेज। ये सारे मैंने शॉर्ट टर्म्स लिख दिए हैं, अर्जिनेज अर्जिनोएज अरेज ऑरेज CpAs। अब जो रिलीज आउट हो रहे हैं एंजाइम, जैसे कि सॉरी एंजाइम में स्टेप्स जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रिलीज आउट हो रहे हैं, जैसे एस्पार्टेट फ्यूमरेट यूरिया, उनके लिए कोई एंजाइम नहीं है, ये बाकी के जो हैं उनके लिए एंजाइम्स है। अब सिट्रिलीन एस्पर्टेज रिलीज हो रहा है, तो सिट्रिलीन के तुरंत बाद हम एस्पर्टेज अगर रिलीज हो रहा है तो उससे जो आगे का स्टेप है दैट इज अर्जिनोसक्सिनेट वो लिखेंगे। फ्यूमरेट रिलीज हो रहा है तो उसके बाद हम लिखेंगे अर्जिनाइन और फिर लिखेंगे हम ऑर्निथिन। तो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक दीज हैक्स दीज शॉर्ट टर्म्स ऑफ एंजाइम एंड स्टेप, लाइक बटन हिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।